हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है और इसको डेली डिफेंस रिव्यू द्वारा दिया गया है। तो इस अपडेट में से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी पूरी डिटेल के लिए आप डेली डिफेंस रिव्यू के आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम पिन कमेंट में डाल देंगे। तो इस अपडेट में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि Su-30 MKI के फ्यूचर रडार के लिए उत्तम का जो स्केल्ड अप वर्जन बनना था, इस पर काम जो है वो चालू किया जा चुका है। जहां तक एस्टिमेट किया जा रहा है, इसको बनाने में 3 से 4 साल का समय लगेगा और फिर टेस्टिंग में करीबन 2 साल का और समय लग सकता है। पर हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ पर समय जो है वो काफ़ी कम लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेस रडार जो कि आप बनाकर तैयार कर चुके हैं उसी को स्केल अप करना है। ऑल्दो ये चीज़ ज़रूर है कि उत्तम का जो बेस वर्जन बना है उसकी टेस्टिंग में लंबा समय लगा है, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ये अपने आप में पहला इंडिजिनस फाइटर बॉर्न AESA रडार है। और हमारा यहाँ पर ये एस्टिमेशन है कि जो स्केल्ड अप वर्जन उत्तम का होने वाला है Su-30 MKI के लिए, उसे 3 से 4 साल में प्रोडक्शन रेडी हो जाना चाहिए, यानी कि टेस्टिंग वगैरह हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हम 6 साल का समय लेकर चलते हैं तो सुपर सुखोई अपग्रेड में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हमें ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स इतना वेट नहीं करेगी। बाकी बात करें बेसलाइन उत्तम की, तो इसकी फाइनल स्टेज की टेस्टिंग चल रही है जैसा कि हम जानते हैं, और Tejas Mk1A के प्रोटोटाइप से इनको टेस्ट किया जा रहा है। तो बेसलाइन उत्तम की जो टेक्नोलॉजी है DRDO ने पहले ही HAL को ट्रांसफर कर दी है, और जहां तक पहले रिपोर्ट आ रही थी उससे ये कहा जा रहा था कि 21st Tejas Mk1A से उत्तम रडार लगकर आएगा, लेकिन डेली डिफेंस रिव्यू का ये कहना है कि यहाँ पर डिले हो सकती है और 41st प्रोडक्शन यूनिट से ही ये रडार लगकर सामने आएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो गवर्नमेंट सोर्सेज द्वारा ऑफिशियली ये कोट नहीं किया गया है जैसे कि 21st फाइटर के लिए किया गया था, तो ये कितनी सही निकल कर आती है ये समय बताएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा कि हमारे जो आधे Tejas Mk1A हैं वो इजरायली रडार के साथ होंगे और आधे जो हैं वो इंडियन उत्तम रडार के साथ होंगे। तो ये सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है, साथ में फ्यूचर में एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। अगर 21st एयरक्राफ्ट से उत्तम रडार लगकर आते हैं तो मैक्सिमम नंबर के जो Tejas Mk1A होंगे वो हमारे इंडिजिनस रडार के साथ होंगे। तो एक कॉमन सिस्टम जो है वो हमारे Su-30 MKI में, Tejas Mk2 में और AMCA में रहेगा, जो कि सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कोशिश जरूर की जाएगी कि जो उत्तम का प्रोडक्शन है उसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए ताकि ये समय पर Tejas Mk1A में लगाया जा सके। टेस्टिंग इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और जो फाइनल स्टेज की टेस्टिंग है वो खुद बेस प्लेटफॉर्म से हो रही है। तो ये चीज़ आपको बता दें कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो अभी तक उत्तम की परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फाइड है, और शायद यही कारण है कि Su-30 MKI के लिए भी उत्तम के स्केल्ड अप वर्जन को चूज़ किया जा रहा है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट गोल होगा वो गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर पर बेस्ड AESA रडार को बनाना होगा। गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर पावर एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, और एक गैलियम आर्सेनाइड AESA रडार की जो परफॉर्मेंस है ये उसकी फ्रैक्शन पावर रिक्वायरमेंट में अचीव करी जा सकती है। यानी कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार जितनी पावर कंज्यूम कर रहा है उतनी पावर में आपको गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार उससे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे देगा। तो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार आइडियल माना जाता है सिंगल इंजन फाइटर्स के लिए और रेट्रोफिट करने के लिए ओल्डर फाइटर जेट्स में। तो अगर Su-30 MKI के लिए भी यहाँ पर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार को डेवलप किया जाता तो वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता, लेकिन गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार को डेवलप करने के लिए समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, और क्योंकि वो हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा नहीं है तो जो प्लेटफॉर्म हमारे पास डेवलप हो गया है उसी पर फर्दर डेवलपमेंट को करना हमारे लिए ज़्यादा सेंस बनाता है। ऑल्दो DRDO द्वारा पैरेलल में ज़रूर काम किया जाएगा गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार में, और इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि AMCA Mk2 के डेवलप होते होते इस रडार को बना लिया जाए। करंटली बात करें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार की जो कि सर्विस में है, तो रिसेंटली ही जो लेगेसी हॉर्नेट्स हैं इनमें APG-79V4 रडार को लगाया जा रहा है, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार है, और ये सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं APG-79 AESA रडार की जो कि सुपर हॉर्नेट में लगे आते हैं। और यहाँ पर डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि जो लेगेसी हॉर्नेट है उसमें नोज कोन साइज छोटा है, यानी कि जो रडार का साइज़ है वो भी थोड़ा छोटा है, और पावर जो है वो भी कम मिल पाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ भी इस पर काम किया जा रहा है, और फ्यूचर में जिन प्लेटफॉर्म में अभी उत्तम AESA रडार लगाया जाएगा उनके मिड लाइफ अपग्रेड में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार को लगाया जा सकेगा।
जो कि उन प्लेटफॉर्म को एक परफॉर्मेंस बूस्ट देगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।